ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसेरियंस के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 1 से 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू लवली पीपल। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है इन योर करियर, और मॉनिटरी गेन्स जो थे हम कह सकते हैं। सो नए दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स अगर आप जॉब कर रहे हैं तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रॉफिट हो सकता है आपको, और अगर आपका खुद का काम है देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, जॉब, ठीक है। अब ये आपके लाइफ में वैसे भी हो सकती है, आप कोई भी हैं, चाहे बच्चे बुजुर्ग कोई भी देख रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट दैट यू नो न्यू न्यू वेज या न्यू वेज फॉर ग्रोथ, कि कैसे आप आगे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो वहाँ एक ऐसा लगता है कि एक दरवाज़ा खुल रहा है और आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस, ठीक है। आप आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग टाइम। ओके, सो रिलेशनशिप एंड करियर बोथ, व्हाट अदर मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल कैंसेरियंस के लिए देख लेते हैं। ओके, लव, तो हमारे पास यहाँ पे लव एनर्जी आ रही है। ओके, पर्सनल रिचेस, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लव, पर्सनल रिचेस एंड केयर रिक्वायर्ड। ओके, सो इसका मतलब ये है लव इज ऑन, लव इज इन द एयर। तो हो सकता है कि भाई यू नो इट्स टाइम फॉर कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप आपका नेक्स्ट लेवल पे आ सकता है, पहुंच सकता है। इट्स ग्रेट टाइम फॉर लव एंड कमिटमेंट, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी किसी से बात चल भी रही हो, किसी के साथ यू नो आपका पैचअप हुआ हो या कम्युनिकेशन हुई हो, तो वो हमें वहाँ ब्यूटिफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। पर्सनल रिचेस, दैट मीन्स कि कुछ, जैसे हमने पहले भी बात की है कि स्मॉल सक्सेस और द बिगर वन इज ऑन द वे। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में स्मॉल और बिगर सक्सेसेस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, बहुत बेटर यू नो दिखाई दे रही है पोजिशन इन टर्म्स ऑफ करियर। और लेकिन किसी स्कीम में अपने पैसे मत फंसाइए, जो यहाँ कह रहे हैं केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। सो अपने आप को गार्ड कीजिए अगेंस्ट डिसेप्शन, बार बार मिस्टेक्स को दोहराइए मत। किस कौन सी मिस्टेक्स को? फुलिश मिस्टेक्स को एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द गार्ड, कि ऑफ कोर्स आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल, बट यस आई थिंक एंजल्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ डिसेप्शन, दोबारा से डिसेप्शन या कोई आपको धोखा दे, या प्लीज़ मेक श्योर कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब तक आप फुली यू नो इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, किसी को, सामने वाले को, तो फिर दोबारा से वही बात होगी कि वो एक मिस्टेक के लिए जाएगी। सो डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन, वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको। सो दीज आर द ओवरऑल एनर्जीज वी आर गेटिंग। लव के लिए आई थिंक टाइम अच्छा है, उसमें हम और भी देखेंगे। करियर वाइज भी फाइनेंशियली आपका टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाला, आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव लाइफ में? ये पर्सन जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लव, ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट क्लैरिटी। हो सकता है समबडी इज रिटर्निंग बैक, और कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, यू ऑलरेडी नो, आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, यस, किसी को आप जानते हैं ऑलरेडी, व्हाट इज पर्सन वॉन्ट्स। आई थिंक इट्स अबाउट अगेन, फिर वही बात है कि शायद अनफिनिश्ड टाइप ऑफ अ बिजनेस है, ठीक है, इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो क्रॉस रोड्स पे है, क्या करें क्या करें। कम्युनिकेशन हो सकती है, ये पर्सन आपसे चाहते क्या है। देखिए फिर वही बात है कि बिट्रेयल, यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि लव के लिए टाइम अच्छा है, कमिटमेंट के लिए टाइम अच्छा है, बट इफ़ यू आर थिंकिंग, ठीक है ना,
जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है, बट अगेन अप टू यू कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन हो सकते हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए राइट चॉइस हो सकता है, ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी, किसी से सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कुछ है, सो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चॉइसेस भी दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आए और बिट्रेयल वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है. सो आई थिंक इट्स अबाउट यू शुड क्लियर, आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ के लिए हो सकता है न्यू न्यू एनर्जी, ठीक है, कि ये पर्सन कोई न्यू है आपके अराउंड और कमिटेड कनेक्शन है, कुछ यू नो लॉन्ग टर्म हो सकता है. टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके, थोड़ा सा और देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या है, ठीक है. पहले मैसेजेस देख लेते हैं कि व्हाट दिस पर्सन वॉन्ट्स, किस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं. ओके, यू हैव चेंज्ड अ लॉट. ओके, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, ठीक है. आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू. हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया. व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ. और उनको लगता है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, आप एक दूसरे को जानते हैं. तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है, चेंज है, दैट मीन्स कि हाँ पहले से आप जानते हैं, ठीक है. गिल्टी फील कर रहे हैं द वे दे ट्रीटेड यू, या ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है. और पास्ट लाइफ कनेक्शन, आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट, एम आई इन योर हार्ट, तो कोई है फ्रॉम द पास्ट जो हो सकता है जो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप भी उनके बारे में ऐसा सोचते हैं. चलिए इस पर्सन की इंटेंशंस में देखना चाहूंगी, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है फॉर दिस, फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन. ओके, सो समबडी इज लाइक मे बी स्पाइंग ऑन यू, चेकिंग ऑन यू हो सकता है, ठीक है. और ये पर्सन यू नो क्रॉस रोड्स पे है आपको लेके, थोड़ा सा कन्फ्यूज है. इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कन्फ्यूज, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है. या तो इनके पास चॉइसेस है, मैं डेफिनेटली आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि या तो इनके पास चॉइसेस हैं या इनकी लाइफ में दो लोग हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे हैं. बट यस, देयर इज कन्फ्यूजन अबाउट सेटलमेंट एंड अबाउट दैट. और हो सकता है आप लोग यू नो बिकॉज थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है. अगेन टू 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 एनर्जी, लॉट ऑफ टू 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 एनर्जी. सो डिसाइड व्हाट यू वॉन्ट, ठीक है. और अपने पार्टनर को भी यही बोलिए कि जब भी वो आपकी तरफ आते हैं तो इट्स लाइक मेक श्योर कि उनकी इंटेंशंस क्या है, या ऑन ऑफ ही करना चाहते हैं वो, ठीक है ना. चलिए ये तो हो गया रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है. हाँ, अगर आपको लगता है कि यस कि यहाँ कुछ नहीं है तो यू आर फ्री टू मूव. बाकी सबके लिए इट्स डिफरेंट थिंग. हो सकता है आप मैरिड हो और आप यू नो आप सेपरेटेड हो, आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, तो आपके लिए यू नो मुश्किल है. बट जो लोग एक लव रिलेशनशिप में है उनके लिए आप सोच सकते हैं अभी भी. बाकी सबके लिए जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट क्लैरिटी, यू नो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, क्लियर कर देना. और यस, अबाउट फीलिंग्स, अबाउट यू नो ट्रस्टिंग ईच अदर. करियर वाइज कैंसेरियंस के लिए क्या हो सकता है आगे. ओके, सो करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है. करियर वाइज आई थिंक कैंसेरियंस आपके लिए वंडरफुल, वी आर गेटिंग इट वंडरफुल एनर्जी. ओके, दैट मीन्स कि आपका जो अगेन मैं बोल रही हूँ फिर वही बात है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो सकता है टाइम आपके लिए. प्रॉफिट गेन, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो यू कैन गेट अगर आपने अप्लाई किया हुआ है. कुछ के लिए हो सकता है अगेन मॉनिटरी गेन्स, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर पोजिशन, ठीक है, कि आप जो चाह रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं एंड यू आर डूइंग वंडरफुल. और बहुत अच्छी कोई रिस्पेक्टफुल जॉब आपको मिल सकती है, यू नो कोई फर्म ऐसी हो सकती है. अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, यू आर गेटिंग अ वंडरफुल गिफ्ट, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, सडन चेंज, सडन यू नो चेंज इन योर लक इन टर्म्स ऑफ करियर, तो बहुत अच्छा है. ओके, चलिए आप देख लेते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है कैंसेरियंस को, आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है और क्या गाइडेंस एंजल्स की तरफ से कैंसेरियंस के लिए. Guilt. I release any belief that no longer assists in my soul growth.
ग्रोथ. कोई भी गिल्ट है, कोई भी डाउट है मन में, निकाल के बाहर फेंक दीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है, तो रिलीज ऑल द बिलीफ नेगेटिव और नेगेटिविटी या गिल्ट. अपने मन में डाउट होता है ना, गिल्ट होता है, अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, कुछ भी है, लेट इट गो, बिकॉज यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, यही चीज़ है जो आपको यू नो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही है. सो अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, यू नो, फिजिकली, मेंटली, और आगे बढ़िए और बाकी सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए. सो दिस इज योर रीडिंग कैंसेरियंस. आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.